बैड की तरफ। तो ये बैड हमारा स्टार्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं इस तरह से, ये पूरा प्लाई बोर्ड है। मैं इस वाले बैड की बात कर रही हूँ, ठीक है, ये प्लाई बोर्ड है और ये 10,000 से इसकी स्टार्टिंग है। आप 10,000 से यहाँ स्टार्ट करेंगे, ये वाला भी 10 का है और वो जो बराबर वाला है ना वो भी 10 का है। तो ये सारे अलग अलग डिजाइनिंग है। अभी मैं सिर्फ नीचे वाले बेड की बात कर रही हूँ, मैंने अभी इस वाले बेड की बात नहीं की है, ठीक है। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये सिंपल वाले बोर्ड वाले कौन कौन से हैं। एक तो ये, अभी मैं सेकंड वाला आपको दिखाती हूँ, दूसरा ये बहुत ही सिंपल और सोबर पीस है, डैशिंग पीस है। आप इसको देखें अगर तो इसकी जो डिजाइनिंग है वो काफी सिंपल है और लोग इसी तरह के डिजाइनिंग को ज्यादा पसंद करते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी क्या चॉइस है। और ये भी 10,000 से स्टार्ट है और गारंटी है इसकी। अगर हम इस वाले बेड की बात करें तो ये आप देखें इस तरह की डिजाइनिंग है और ये स्वेट फैब्रिक में है। अगर कोई ऐसे प्लेन ना लेकर थोड़ा सा स्टाइलिश लेना चाहता है तो वो ये वाला ले सकता है, ये भी आपका प्लाई बोर्ड में है, ठीक है। और इसका प्राइस है 15,000 रुपये, ये 15,000 से स्टार्टिंग है इसकी। बाकी आप शॉप पर आने के बाद कुछ हो जाएगा तो आप लोग आइएगा, ठीक है। मैं आपको सारी चीजें डीपली दिखा रही हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ वाकई में इतने कम पैसों में सस्ती और टिकाऊ चीज हमारे अबुल फजल शाहीन बाग में मिल रही है। तो मैं आपको यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, आगे से मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से बेड कितनी कितनी कीमत पर यहाँ पर मिल रहे हैं। अभी सेकंड वाले बेड की बात कर लेते हैं, इसकी डिजाइनिंग अलग है और ये भी प्लाई बोर्ड है। और इसकी अगर फैब्रिक की बात करें तो ये स्वेट फैब्रिक है, ठीक है ना गाइस, स्वेट फैब्रिक है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, बार बार मैं बता रही हूँ फैब्रिक क्या है, लकड़ी क्या है, कॉर्ड है और फैब्रिक इसका स्वेट है। तो ये जो भी मैंने अभी तक आपको दिखाए हैं वो स्वेट फैब्रिक लगा है इसके ऊपर, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम यहाँ थर्ड बेड की तरफ। तो थर्ड बेड ये थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट इसका ये है ये रैक्सिन लगी हुई है, इसके ऊपर कोई स्वेट फैब्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, रैक्सिन है। और ये आप इसको ना मतलब कपड़े से भी साफ कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं है और मतलब अच्छा है, इसको आप कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी चीज पसंद कर रहे हैं या आपकी पॉकेट में कितना दम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब आ जाते हैं इस वाले बेड की तरफ, ये भी रैक्सिन है, इसकी डिजाइनिंग थोड़ी अलग है और ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये बना हुआ है। ये भी बोर्ड है और ये जो लगी आपको शाइनिंग शीशे की तरह नजर आ रहा है तो ये स्टील लगी हुई है, ठीक है, ये कोई ऐसा कांच नहीं है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी खूबसूरती के लिए है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा कि ये क्या चीज है फिर भी मैं डीपली बता रही हूँ। अब ये आ जाते हैं यहाँ पे इस वाले बेड की तरफ, इसकी डिजाइनिंग काफी अच्छी है। डिजाइन जितने भी अभी तक मैंने आपको दिखाए हैं A1 है, मतलब डिजाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या पसंद कर रहे हो। और इसका फैब्रिक वही है, स्वेट फैब्रिक है सबका और बोर्ड से ये बना है। अभी तक मैंने सागवान की लकड़ी का आपको नहीं दिखाया है, अभी मैं आपको सिर्फ बोर्ड दिखा रही हूँ। तो अगर आपको सागवान की लकड़ी का भी देखना है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, अभी हमारा सिर्फ बोर्ड चल रहा है। गाइस अब आ जाते हैं हम लकड़ी की तरफ। तो ये बिल्कुल टोटल लकड़ी में सागवान की लकड़ी का है और इसका स्टार्टिंग प्राइस है 10,000 रुपए। और आपको एक खास बात मैं बता देती हूँ, अगर आप हमारे चैनल के जरिए आएंगे, हमारे चैनल के माध्यम से आएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा इस पे 10%। अगर ये 10,000 का बेड है तो आपको डिस्काउंट इस पे 1,000 रुपए हमारे चैनल के लिए मिलेंगे कि हाँ हमारे चैनल के जरिए आप लोग यहाँ पे इनकी शॉप पर आए। ये वाला बेड आप देखें, ये सागवान की लकड़ी का है और ये सागवान की लकड़ी जैसे आपको पता है महंगी होती है। तो यहाँ पे ये डिजाइनिंग आप देख रहे हो, एकदम सिंपल सोबर डैशिंग डिजाइनिंग है, आप जैसे देख रहे हैं। तो मैं अभी अगर इसके प्राइस की बात करूँ तो ये 16,000 का है, बाकी आपको डिस्काउंट हो जाएगा। जैसा भी मैंने आपको बताया कि हर चीज पे यहाँ डिस्काउंट है और किश्तों पर भी यहाँ पे मिलता है। तो जाहिर सी बात है किश्तों पे जब आप लेने के लिए आएंगे तो डाउन पेमेंट ये कम लेते हैं। आ जाते हैं हम इस वाले बेड की तरफ। तो ये बेड थोड़ा सा अलग है,
और ये काफी स्टोरेज इसके अंदर है और ये 2-in-1 काम करता है। 2-in-1 कैसे, 2-in-1 कैसे वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो होता है बॉक्स बेड के अंदर और एक यहाँ पे आपको मिल रहा है टंटड़ा, ये मिल रहा है आपको, काफी स्पेस है इसके अंदर, आप बच्चों के कपड़े रख सकते हैं, बेडशीट रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसके अंदर क्या रख रहे हैं। वैसे मैं तो यहाँ पे रखती हूँ अपने बर्तन। आपको कलर पसंद नहीं आता है बाई चांस, जैसे कि ये वुडन में तो बहुत से लोग नहीं पसंद करें, तो यहाँ पे पॉलिश भी हो जाती है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। जैसा अगर आपको कॉफी पसंद है तो इजीली आप इनको बोल सकते हैं और आपको ये कॉफी कलर करके दे देंगे। इसी तरह से जो भी कलर आपको पसंद है वो आप लोग यहाँ पर आकर बोलिएगा कि अगर हमें ये नहीं पसंद आ रहा है, हम अपनी मर्जी से चाहते हैं, तो यहाँ पे इजीली ये लोग कर देते हैं। ऐसी एक चीज मैं आपको बताती हूँ, ये भी जैसे सागवान की लकड़ी है और इसके अंदर भी ये डबल मिल रहा है, ठीक है, ये इस तरह से डबल यहाँ पे जो मैंने अभी आपको दिखाया ये सब चीजें एक्स्ट्रा मिल रही है, तो वही सेम चीज इसके अंदर मिल रही है। अभी आप सोचेंगे कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है प्राइस, असल में इसके प्राइस थोड़े से ज्यादा है। ये है 21,000 का, ये है हमारा 16,000 का। अभी आप बोलेंगे कि ये सेम चीज है तो फिर ये 16 क्यों और ये 21 क्यों, तो वो डिफरेंस मैं भी आपको क्लियर करती हूँ। ये चीज आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये डिजाइनिंग, ये डिजाइनिंग में लकड़ी ज्यादा लगी है जिसकी वजह से इसके अकॉर्डिंग, इस वाले बेड के अकॉर्डिंग ये वाले बेड की कीमत थोड़ी ज्यादा है। सेम प्राइस है, सेम लकड़ी है, टोटली सारी चीजें सेम है। अभी ना ये यहाँ पर पैड नहीं लगे हैं, पैड इसलिए नहीं लगे क्योंकि ये ऑर्डर पे बन रहा है और अभी शादी की जो डेट है वो थोड़ी सी 3-4 रोज के बाद है, तो वो तभी लगेगी, इस वजह से ये ऐसे रखा हुआ है। कि आप देखें ये जो है ये दूसरी तरह का डिजाइन है, यहाँ पे आपको ये वाला स्पेस मिल रहा है, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये एकदम टोटली डिफरेंट है, जितने भी अभी तक मैंने आपको बेड दिखाए हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको शायद अगर आप पूरी वीडियो में बने हुए हैं तो ये चीज आपको नजर आए, ये और बेड से थोड़ा सा अलग है। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ये 16,000 का है, ठीक है, और यहाँ पे सब कुछ इतना एक्स्ट्रा है। ये भी सेम प्राइस है, कोई 15,000 है, 16,000 है, 17,000 है, इस तरह से कोई भी फिक्स प्राइस यहाँ नहीं है। और अलग अलग लकड़ी के हिसाब से और अलग अलग डिजाइनिंग के हिसाब से यहाँ पे प्राइस है। तो अभी मैं आपको बाकी के बेड भी दिखा देती हूँ, ये देख लीजिएगा किस तरह से है। और ये दिखाइए भाई साहब ये कैसे, ये वाला डिजाइन, ये भी रैक्सीन। अगर आपको नहीं पसंद आ रही है तो आप अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से इसको एक्सचेंज करा सकते हैं, तो इजीली ये एक्सचेंज भी हो जाएगी। तो आप लोग मुझे बताइएगा हमारी वीडियो में आप लोगों को कैसा लगा, और मैंने जिस तरह से आप लोगों को यहाँ पे बेड के डिजाइन दिखाए हैं और प्राइस बताए हैं, तो वो सारी चीजें आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा जरूर कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो, हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा। गाइज मेरी लास्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि ये किस तरह से मतलब सामान पहुंचाते हैं और डिलीवरी चार्ज क्या लगता है, तो ये सारी चीजें ये लोग अरेंज कर देते हैं। जो भी गाड़ी है, कुछ भी है, रिक्शा है, अगर आप लोकल एरिया में जा रहे हैं तो रिक्शा का अरेंज ये सब करके देते हैं, इनके खुद के बंदे होते हैं। लेकिन आपको जो चार्ज देता है तो वो आपको देना पड़ेगा, जो चार्ज लगेगा, मतलब आप चाहे पूना में है, देहरादून है, बिहार है, या मतलब कहीं भी है, तो वो सारी चीजें आप लोगों को खुद देनी पड़ेंगी। मतलब जो उसका चार्ज लगेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है वहां का, तो वो सारी चीजें आपको देनी पड़ेंगी। बाकी ये अरेंज खुद कर देते हैं, अपनी तरफ से गाड़ी करवा देंगे, जो इनके बंदे हैं लोड वो करा देंगे, जो मजदूर वगैरह होते हैं, तो वो सारी चीजें इनके यहाँ फ्री में मिलती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि टोटली आपका ये जो है ट्रांसपोर्ट का भी देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो आपको खुद देना पड़ेगा। बाकी ऑनलाइन भी ये सारी चीजें हैं, तो आप यहाँ पे बुकिंग ले सकते हैं और आप आराम से यहाँ पे आ जाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरह का ये बेड है। अभी मैं आपको ये मैंने दिखाए थे वो ऊपर के हेड तकिए दिखाए थे, तो कुछ आइडिया नहीं लग पाया होगा। इस तरह से देखेंगे पूरा बेड ऐसा दिखता है। और ये गद्दे, अगर आप सोच रहे होंगे कि गद्दे भी इसी के साथ है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, गद्दे ही अलग से है।
और मैं अभी इसके बेड की खासियत आपको बता देती हूँ, इसके अंदर है क्या। ये भाई साहब आपको बताएंगे कि इसके अंदर ऐसा क्या खास है जो दूसरे बेडों से डिफरेंट करता है। ये हमारे बॉक्स हो गए, ये हम 18 में प्लाई लगाते हैं, इसके अंदर हम कलर करके देते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम साल के सपोर्टर लगाते हैं, आप 7 लोग 5 लोग इसके अंदर खुल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब इतना ये मजबूत है, 4-5 लोग मैं भी खड़ी हो जाऊंगी इसमें, मैं भी खड़ी हो गई लेकिन कुछ भी इसका नहीं बिगड़ रहा है। और इसके अंदर 6-7 लोग आराम से हैवी खड़े हो सकते हैं, वो इस वजह से क्योंकि ये काफी मजबूत है, इसकी जो सपोर्ट है वो काफी मजबूत है। हमारा टेलीमीटर तेल होता है दिमाग का, अंदर भी हम पेंट करके देते हैं इसके अंदर। अच्छा, पेंट होता है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं आती इसके अंदर, कोई दिक्कत, कोई बीमा कुछ नहीं। नहीं नहीं, और गारंटी देते हो क्या? जी गारंटी है। कितने टाइम की गारंटी है भाई इसकी कि ये खराब नहीं होगा, सालों साल टिकेगा ना ये? जी, अगर आपके घर में अगर दीमक मतलब सीलन हैगी तो कीड़ा लग सकता है, सीलन नहीं है तो कीड़ा नहीं। मतलब आपकी लकड़ी में कोई फॉल्ट नहीं है, लकड़ी A1 है बिल्कुल जी। चलिए यही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी को ये शिकायत रहती है कि मतलब दीमक ना लग जाए, वो ना हो जाए, तो ये चीजें बहुत अच्छी है, ये सारी चीजें एकदम बढ़िया जी। और इसका कलर वलर सब चेंज हो जाएगा, कलर भी रहेगा इसी। ये हमने वॉलनट कर रखा है, शादी का सामान है, ऑर्डर का ये। अच्छा, ये ऑर्डर पे बन रहा है? जी ऑर्डर पे बना हुआ है। अगर आप चाहोगे इसका नेचुरल कलर होता है, नेचुरल ग्रेड आता है हमारा ये। अच्छा, कलर होता है हमारे यहाँ पे, ये हमारे यहाँ पे लकड़ी का रेशा सारा दिखाई देता है। फिर हमारे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ये है जो आपके हैंडल होते हैं बॉक्स में लगा हुए, ये लोहे के लगते हैं। हाँ, तो ये मैंने अक्सर लोहे के देखे हैं, तो हमने इस तरह इसमें स्टील के लगा रखे हैं, हैवी हैंडल हमारे यहाँ पे हैंडल होते हैं, ये हैवी है। और मतलब फिर जो हमारे यहाँ पे काबले होते हैं लगा कब्जे, इससे हल्के बहुत आते हैं, मगर हमारे यहाँ पे हैवी लगा हुए होते हैं, भारी कब्जे। तो ये कब्जे जो है भारी वाले है, लोकल वाले नहीं है कि बस उठाया और टूट गया, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, तो ये सारी चीजें जो है आपके अलग है, इसी वजह से आपने एक एक चीज बताई कि हाँ वाकई में ये नोटिस करवाया कि हाँ भाई ये चीजें डिफरेंट है। अपने यहाँ पे पूरा माल रेडी चेक करा के देते हैं। आप पहले कोई भी सामान खरीद रहे हो तो पहले हम आपको फिटिंग करके दिखा देंगे, इसे मैं ये बेल्ट बिछा रखा है। अच्छा, किस तरह से आएगा जी? अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जो हमने हेड दिखाया है ना, और वो बॉक्स जो मैंने डबल वो दिखाया था कि डबल स्पेसिंग है, तो उसको अब ये इस तरह से दिखा रहे हैं। तैयार पीस जो हमारे यहाँ पे ये है, हमने पूरे इसके बॉक्स बिछा रखे, हमारे गद्दे लगा रखे हमने, इस टाइम पे रेडी है बेड हमारा। अब आप फोन वगैरह चाहेगा तो बगैर जो भी सामान आप चाहो इसके अंदर रख सकते हो। हाँ, ये मतलब एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ है, तो वो कुछ भी आप कर सकते हो, बाकी इधर कुछ भी बच्चों के कपड़े या कुछ जो भी। इसमें जो है हमने टिक प्लाई विनियर लगा दी है, यहाँ पॉलिश कर रखा है हमने। अगर आप इसके अंदर कुशन लगवाना चाहोगे तो कुशन हमारा लग सकता है इसके अंदर। अच्छा, अगर कोई ऐसे लेना चाहे तो ऐसे भी ले सकता है? ये हमारा स्टेप रहेगा, मतलब जो हैगा ऑर्डर के ऊपर होता है, ये ऑर्डर लोगों ने कहेगा मतलब लगवाया, लेकिन फिर तो ये प्राइस में फर्क आ जाएगा? कोई फर्क नहीं। अच्छा, अगर हम ये एक्स्ट्रा कोई भी लगवाता है ऊपर से पैड, तो उसका मतलब ये सेम प्राइस रहेगा? तो फैक्ट्री दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो माल बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो इधर होती है, तो यहाँ पे ये रेडी पीस रखते हैं, और फिर जो तैयार करते हैं पीस को तो वो इस साइड करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनके कारीगर किस तरह से बनाते हैं। तो हमारा रेडी हो चुका है, ये बन गया है इस टाइम, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे कुशन वगैरह आएंगी, ये टोटल इसमें लकड़ियां काम होगा, ये इनका जो तैयार पीस है। अभी आप सोच रहे होंगे ये तैयार पीस कैसा है, तो यहाँ पे अभी इनके ये पैड लगने बाकी हैं। गाइस, ये हम आपको पहले बेड दिखाया हमने कंप्लीट आपको, उसका जो कोरा पीस होता है वो ये होता है। अभी इस पे पॉलिश नहीं की हमने, अभी इस पे पॉलिश आपकी चॉइस है, आप कोई सा भी कलर करवा लो, नेचुरल करवा लो, वुडन में वॉलनट स्टेनर करवा लो, टीक कलर में करवा लो, रोज वुड में करवा लो, वो आपके ऊपर है। अब यहाँ पे हमारे दो कुशन आएंगी, तो ये हमारा जो है बॉक्स वाला बेड है, इसमें सागवान की पूरी लकड़ी लगा रखी है, यहाँ से पूरे जो है ये सागवान का डिजाइन है इसमें, और जो कटिंग है सबसे प्यारी कटिंग हमारी ये होती है बेड में। ये हमारा शादी का सामान है। तो ये जो अभी पीस तैयार होने में इसको कितना टाइम लगेगा? तो ये ऑर्डर पे बन रहा है जी? ऑर्डर पे बनेगा हमारा। तो ये सारे यहाँ पैड वगैरह लगेंगे, तो थोड़ी देर के मतलब जब भी डेट होगी उस वक्त लगेंगे जी, जी, जी। अभी ये ऐसे ही मतलब पहले पॉलिश की जाएगी, उसके बाद में पैड लगेंगे, बाद में फाइनल तैयार होने के बाद उधर जाता है। फाइनल तैयार होंगे इसके ये बॉक्स रखे हैं दो। अच्छा, इसी के बॉक्स है ये, मैं आपको दिखा दूं। ये हमारा जो है ये हो गया बाहर की साइड, ये 4 साइड पॉलिश होती है, हेड हो गया उसकी पेंटिंग। तो इधर ये आपके कारीगर काम करते रहते हैं, उधर आप सेल करते रहते हो जी।
अभी हमारा अंदर जो है हमने आपको दिखाया था वहाँ पे, तो इसके अंदर रेड कलर पड़ा हुआ था, इसके अंदर ब्लैक कलर पड़वा सकते हो और रेड चाहोगे रेड पड़वा सकते हो, मतलब चेक कर लीजिए। आज के लिए ये काफी हैवी है, देखें आप, मैं भी यहाँ खड़ी हो गई हूँ और ये भाई साहब भी यहाँ पे खड़े हैं, इसमें कितने भी लोग खड़े हो सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं भाई, आप भी अगर खड़े ऊपर चेक करवाना कि कितनी हैवी है, आप आ जाइए, आ जाओ भाई जल्दी से, आ जाओ। अभी आप देख सकते हैं गाइस, चार लोग इसके अंदर खड़े हो गए हैं और ऐसा नहीं है कोई भी सूखा हुआ इंसान नहीं है, सब ठीक ठाक है, माशाल्लाह हेल्दी है। और मेन मकसद आपको दिखाने का ये है कि काफी हैवी है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आप कितना भी सामान इसके अंदर रखेंगे ना तो आप सेफ रहेंगे, आपका सामान सेफ रहेगा और ये बेड भी सेफ रहने वाला है। जी, हमारे यहाँ पे रंदा लगाया जाता है, उसके बाद भी लगाया जाता है। अच्छा, ये सारे काम आपके इसी में होते हैं? अभी तो हमारे यहाँ का चार पाँच कारीगर है यहाँ से। अच्छा, चार लोग शादी में रहने कारीगर, कारीगर मतलब शिवरात्रि चल रही है तो हमारे कसब कारीगर घर गए हुए हैं, अभी मतलब तीन कारीगर हमने बुला रखे हैं, अभी ये भी ऑर्डर का काम है। अच्छा, ऑर्डर जो है इस वजह से, और ये जो माल हो रहा था यहाँ, जैसे यहाँ पे हो रहा है, इससे बड़ी फैक्ट्री जो है हमारी वो कलंदीपुरी में है हमारी फैक्ट्री। वो तो आपकी कई दुकानें हैं यहाँ पे, मतलब बड़े बड़े शोरूम जो है आप ही के हैं, वो चार पाँच जो आगे हैं? जी, हमारे जो हमने शुरू में चार चार शोरूम है ना, जी चार नंबर के हैं हमारे, रोयल फर्नीचर है हमारा। अच्छा अच्छा, और ये यूनिक फर्नीचर है जी, पांच नंबर में हमारा। तो ये काम जो हो रहा है हमारा यहाँ तो हो रहा है और एक कलंदी को फैक्ट्री बना रखी है। तो ये काफी टाइम से देख रही हूँ मैं तो, आप काफी टाइम से है आपके ये शोरूम, कितने टाइम हो गया होगा? करीबन 12 साल हो गए शोरूम को। अच्छा, 12 साल से इस एरिया में जी, और रॉयल फर्नीचर जो है हमारा करीबन 16-17 साल से यहाँ। अच्छा, तो काफी फेमस है ना जी, सब काम हमारा यहीं पे हो रहा है, बाकी जो फैक्ट्री है ना ये छोटी फैक्ट्री है, बड़ी फैक्ट्री हमारी कलंदीगंज में। अच्छा, तो हम गद्दों की तरफ, बेड की हो गई बात सारी, अभी बेड के लिए गद्दे भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, उसके बिना बेड बिल्कुल अधूरा है। तो यहाँ पे काफी तादाद में गद्दे हैं और इनकी अलग अलग खासियत है, तो वो सारी क्या खासियत है, एक गद्दे से दूसरा गद्दा क्यों डिफरेंट है, वो सारी चीजें हम इस शॉप के ऑनर से ही पता करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और उनको बुलाते हैं, आ जाइए भाई साहब इधर। पारी का गद्दा है, हाँ। सुपर नाम है इसका, 4 इंची में है। अच्छा, 4 इंची और तो पैडिक गद्दा है। अच्छा। हार्ट होता है, किसी के बैक में पेन होता है या गर्दन में पेन होता है तो उसके लिए आरामदायक गद्दा होता है। अच्छा, ये मतलब किसी भी तरह से पेन नहीं करता, तो कोई भी एज का इंसान नहीं लेट सकता? कोई भी इंसान इस पे लेट सकता है। अच्छा, खासकर जैसे कि आपके 40+ के लोग जो होते हैं, इनके बैक पेन में दर्द रहता है, उनके लिए ज्यादा बेस्ट गद्दा होता है ये। अच्छा, जैसे कि ये वाला गद्दा है आपका फेदरवेल का गद्दा है, 5 इंची में है। हाँ। ये आपको पूरा सॉफ्ट की फॉर्म में। अच्छा, ये पूरा सॉफ्ट है, 5 इंची का गद्दा है ये? 5 इंची का गद्दा है, इसमें कोई बॉन्डेड नहीं है कुछ नहीं, इसमें सिर्फ सॉफ्ट की फॉर्म है आपकी, तो ये टूटता नहीं है। इसका पूरा पीस, इसका पूरा पीस दिखा देना, ये 5 इयर्स की वारंटी है, पूरा सॉफ्ट होता है, तो टूटने का कोई चक्कर नहीं है। गद्दा है आपका सॉफ्ट की गद्दा है, अब इसे कैसे भी मोड़ सकते हैं आप, इसमें कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, ये खासियत है इसके अंदर, कहीं भी कुछ भी कर लीजिए तो टूटेगा नहीं, मतलब मेन ये है कि ये टूटने वाला नहीं है, कुछ कुछ नहीं होगा। आपको एक होता है आपका, इसका हार्ड है, इसका सॉफ्ट है, तो ये 2-in-1 नहीं होता, जैसे कि सर्दी का अलग गर्मी का अलग होता है? अच्छा अच्छा, सर्दी गर्मी वाला होता है। तो ये 5 इंची में ही आता है या 6 में? 5 में 6 में जिसमें आप कहेंगे वैसे में, मतलब वो ये भी आपके यहाँ बनते हैं क्या? ये हमारे कंपनी से आते हैं। अच्छा, फ्रेंचाइजी, इन्होंने गद्दे की फ्रेंचाइजी ले रखी है, तो जाहिर सी बात है इन्हीं की, एक तरह से इन्हीं के ये गद्दे बनते हैं, तैयार होते हैं, और मतलब 5 इंच 4 इंच जितना भी आप कहें वो आराम से आपको गद्दे का साइज मिल जाता है। ये गद्दा है आपका, इसमें ईपी और फॉर्म होती है, ईपीएम फॉर्म, ईपी और फॉर्म। अच्छा, दोनों मिक्स होती है इसके अंदर, एक साइड इसमें ईपी होती है, एक साइड इसमें फॉर्म होती है। तो क्या डिफरेंस होता है इनका? इसमें आपकी होती है बॉन्डेड फॉर्म, इसमें होती है पूरी बॉन्डेड, और सॉफ्ट फॉर्म होती है इसमें, तो ये इससे बेटर है, ये बेटर होता है। अच्छा। ये आपकी 5 इयर्स की इसकी वारंटी होती है, 10 साल आराम से जाता है, 10 साल आराम से चल जाएगा। और ये वाला, इसकी 1 ईयर की वारंटी होती है। अच्छा, ये इसकी 1 साल की है और इसकी
उसकी 5 years की होती है। अच्छा, उसकी 1 साल की है और बाकी ये 5 साल की है। और ये मतलब फिर तो प्राइस में डिफरेंस होगा ना जी? ये आपका 25,000। ये वाला गद्दा आपको 3,000 का मिल रहा है और ये दूसरा वाला जो गद्दा है, जो अच्छा वाला ब्रांडेड गद्दा है, ये आपको मिल रहा है 10,000 का। जब यहाँ पर आएंगे तो 15%, 20%, किसी पे 15 है, किसी पे 10 है, किसी पे 20 है, मतलब डिस्काउंट है, डिस्काउंट है सब पर, किसी पे 40% डिस्काउंट है, किसी पे 30%, तो कोई फिक्स नहीं है, मतलब कोई फिक्स नहीं है। थैंक यू सर, आपने ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से बताई और गद्दों के जो डिफरेंस है वो आपने बहुत अच्छे से बताए।